और अब खबरें विस्तार से। नागपुर रेलवे की महिला कर्मचारी को जिंदा जलाने का प्रयास करने का मामला करीब 4 महीने बाद सामने आया है। जरीपटका पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार 54 वर्षीय उषा तायड़े रेलवे में कर्मचारी है। वह भीमसेना नगर झोपड़पट्टी में शेरा बाबू मेश्राम नामक व्यक्ति के घर में रहती है। 18 जून 2021 की शाम उषा जब ड्यूटी से घर लौटी, उस समय शेरा बाबू उसकी माँ माया और पत्नी रश्मि की बातें चल रही थी कि गाड़ी की किश्त भरने के लिए उषा से 30,000 रुपये लिए जाए। उन्होंने उषा से जब 30,000 रुपये मांगे तो उसने ये कहकर रुपये देने से मना कर दिया कि पहले जो रुपये दिए हैं वह अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। जिसके बाद उषा जब कपड़े बदलकर रसोई घर में गई तो वहाँ शेरा बाबू और उसकी माँ और पत्नी मौजूद थे। उषा कुछ समझ पाती इसके पहले ही रश्मि ने उषा पर केरोसिन उंडेल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। शेरा बाबू ने तत्काल किसी तरह आग बुझाई और उषा को निजी अस्पताल में ले गया। उपचार के दौरान अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना जरीपटका पुलिस को दी थी। अस्पताल में उषा बात करने की स्थिति में नहीं थी। उसने बयान देने और शिकायत करने से मना किया। घटना के करीब 4 माह बाद सोमवार को पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनवने के पास उषा ने अपने बेटे के साथ प्रकरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण से रश्मि को संदेह था कि उषा और शेरा बाबू के बीच में अवैध संबंध है। जब उषा ने रुपए देने से मना किया तो पहले से खफा रश्मि ने उषा को जला दिया। जरीपटका पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 646/21 भादवी कलम 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला। याच्यातली तक्रारदार जी आहे उषा प्रकाश तायडे, तिला 18/6/2021 रोजी ती ज्या घरात किरायाने राहत होती तिथल्या घरमालकाच्या पत्नीने अंगावर रॉकेल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याबाबत ही तक्रारदार हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट असल्याने आणि जॉब देण्याच्या परिस्थितीत नसल्याने तिने आत्ता येऊन काल रोजी आमच्याकडे गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये आरोपी रश्मी शेषराव शेराबाबू मेश्राम ही अटक केलेली आहे आणि गुन्ह्याचा तपास चालू आहे।